दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसके शरीर पर तिल नहीं होगा। कोई तिल इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है तो कुछ शारीरिक आकर्षण को खराब कर देते हैं। हालांकि कहते हैं कि तिल महज दिखावे के लिए नहीं होता है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं और पुरुष के विभिन्न अंगों के तिलों का शुभ और अशुभ मतलब हो सकता है। कोई तिल इंसान के लिए तरक्की की राह खोलता है तो कोई तिल इंसान को संघर्ष कराते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे शुभ तिल हैं जिनके होने से इंसान को सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है, उसके पास धन दौलत की कमी कभी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं और साथ ही वीडियो को पूरी सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम बात बताते हैं सबसे पहले भौहों पर तिल होना। आईब्रो पर अगर तिल हैं, भौहों पर तिल होना भी लकी माना गया है। यदि दोनों आईब्रो पर तिल हो तो जातक देश दुनिया की यात्रा करता है। वही दाई भौहों पर तिल होना जातक को खूब सफलता पैसा मिलता है। वही बाई भौहों पर तिल होना उसे सुखी दाम्पत्य देता है। दूसरा पलक। आँख के ऊपर की पलक शरीर का बेहद संवेदनशील हिस्सा होती है। जिन लोगों की आँख की पलक पर तिल होता है वो व्यक्ति भाग्यवान होता है, साथ ही स्वभाव से बेहद विनम्र होता है। नाक। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल होने को बहुत शुभ माना गया है। ऐसा जातक खासा प्रतिभाशाली होता है और अपने टैलेंट के दम पर नाम कमाता है। वह विद्रोही स्वभाव का हो सकता है। विशेष तौर पर महिला की नाक पर तिल होना उसे बहुत लकी बनाता है। होठ। महिलाओं के होठ पर या होठ के ऊपर नाक के पास तिल का होना ना केवल उनकी खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि उन्हें भाग्यवान भी बनाता है। वही पुरुषों के होठ पर तिल हो तो वो बेहद प्यार करने वाला रसिक शायर हो सकता है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मुंह। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री और पुरुष को दोनों के लिए शुभ माना गया है। ऐसे जातक सुख समृद्धि पूर्ण जीवन जीते हैं और खूब सफलता पाते हैं। अगला गाल पर तिल होना। बाएं गाल पर काला तिल गरीबी और दाएं गाल पर काला तिल होना अमीरी का इशारा है। वही किसी भी गाल पर लाल तिल का होना शुभ होता है। जबकि यदि बाएं दाएं गाल पर काला तिल होना अमीरी और धन दौलत का संकेत है। तो साथ ही अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।